हाय। हाय, क्या हो रहा था? अच्छा, कुछ खास नहीं, क्यों? कल तुम घर आ सकते हो मेरे? वो किस लिए? मॉम एंड डैड ने इनवाइट किया है क्यों, उन्होंने क्यों इनवाइट किया? मिलने के लिए, हाँ, लेकिन मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं वो? क्योंकि मैं चाहती हूँ। और आप क्या चाहती हैं? तुम शाहजह ने आखिर समझा क्या है मुझे? मैं उसके इशारों पे चलने वाला नौकर हूं क्या उसका? कभी कुछ कहती है, कभी कुछ, जैसे मेरी मालकिन बन बैठी हो। मुझे उससे दो टोक बात करना होगी। अगर वो समझती है कि दौलत के बोझ तले मेरी खुददारी, मेरी अना को दबा देगी वो, तो ये भूल है उसकी। मैंने गुर्बत से खुददारी सीखी है, किसी की इमारत से मुतासर नहीं होता मैं, ना ही मैं किसी के दाम में फंसूंगा। मैं आज ही शाहजह से बात करता हूँ। मुझे नहीं करनी इसकी बख्शी हुई नौकरी, उसकी करम नवाजी का मोहताज नहीं हूं मैं। शायन साहब, इस पे साइन कर दीजिए। क्या बात है शायन साहब, आप इस खुशी के मौके पे परेशान लग रहे हैं। रियान साहब, मुझसे पहले जो भी सीट पे बैठा उसको हमेशा गाड़ी मिली है क्या? आपसे पहले कमाली साहब जो थे उनके पास तो थी। नहीं, अब कमाली साहब की बात तो ना करें ना, उन्हें अपनी सारी उम्र दी है साहब। आप ये समझें कि कार के लिए उम्र की नहीं, किस्मत की जरूरत होती है, और आप खुशकिस्मत हैं कि आपको कार मिल रही है। Congratulations. Thank you. रियान साहब। जी। मेरी बाइक का क्या होगा? बाइक आपको ऑफिस की तरफ से तो नहीं मिली? नहीं, ऑफिस की तरफ। ठीक है, आप जाइए। हाय। हाय, थैंक यू। मिल गई है मुझे गाड़ी की चाबी। कांग्रेचुलेशंस, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपनी खुशी मेरे साथ शेयर की। आपको बताना फर्ज था मेरा। अरे नहीं नहीं ये सब तो ऑफिस की तरफ से तुम्हारे जॉब पैकेज में इंक्लूड है। अब तो फ्लैट भी रेनोवेट हो रहा है, बहुत जल्दी तुम्हें मिल जाएगा। नहीं सर, जॉब के पैकेज में तो इंक्लूडेड नहीं है, ये मैं जानता हूँ। तुम लड़ाई के मोड में हो, तुम्हें पता ना शाम को घर आना है मेरे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब तुम अपनी गाड़ी पर आओगे। मगर अगर मगर कुछ नहीं, शाम को मिलेंगे। बाय।
ये तुम्हारी ही तो दुआ थी सजीला जो कबूल हो गई है। तुम्हारे ही नसीब से मुझे सब कुछ मिल रहा है। तुम्हारे मुंह से निकली हर दुआ, हर ख्वाहिश कबूल हो रही है। जी कैसी हैं जनाब? मैं खैरियत से हूँ। तुम्हारी खैरियत नेक मतलूब है? नेक मतलूब खैरियत तो इतनी इनायत की, और ये मुझ पे कि मेरी खैरियत जानने के लिए कॉल की जा रही है। तंस करने की जरूरत नहीं है। ये बताओ ऑफिस से कब निकलोगे? निकल रहा हूँ बस। क्यों खैरियत? अच्छा यहाँ से होते हुए जाना, तुम्हारे साथ बाइक पे मार्केट तक जाना है मैंने। बाइक पर? तो क्या पैदल जाऊंगी? नहीं, मैं सोच रहा था कि मेरे साथ बाइक पे जाती अच्छी लगोगी। तो नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं लेके जाना तो साफ साफ मना कर दो। नखरे नहीं कर रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ तैयार रहना, मैं आता हूँ। ठीक है? ओके। मामी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। कैसी हैं? आ गए, चल। अरे दो मिनट सांस तो लेने दो लड़की उसको। क्यों मम्मी? पैदल चल के आए, बाइक पे आया है। बहुत बुरी बात है सजीला, ना सलाम ना दुआ ना बैठने को कहा, बस हुक्म जारी कर दिया। मम्मी अलादीन के चिराग का जिन नहीं है कि खिदमत के लिए हाजिर हो गए। अंदर से खुशी हो रहा होगा, बुरा से तकरीर सुननी पड़ेंगी इसकी। फिलहाल तो तुम सुना रही हो मुझे तकरीर है। मामी मैं इसको जरा बाजार से फिरा के ले आऊं, वापस आके फिर सीधा घर चला जाऊंगा। बेटा रमशा ने कुछ चीजें बताई हैं, वही लेनी है इसे। उसको आने के बाद तो इतना टाइम मिलेगा नहीं कि बाजारों के चक्कर लगाए। कोई बात होगा भी तो सुकून कहां होगा मैडम को, बड़े घर की बहू बन गई है, नखरे भी बड़े बड़े होंगे उनके। अल्लाह नजरे बस से बचाए। मेरी नजर नहीं लगने वाली उसे। अब चले। बाइक का है? बाइक? बाइक तो नहीं है। क्या मतलब है बाइक नहीं है? अगर मुझे ऑटो से जाना तो खुद ना चली जाती, तुम्हें क्यों बुलाती? छोड़ो मैं जा रही। अरे मैडम दो मिनट सब्र तो करें, बहुत ही बेसब्री हो। इधर आओ। कहाँ ले जा रहे हो? अरे आओ तो। शानी देखो कैसी है। तुम्हारी है? मेरी इतनी औकात कहाँ कैसी गाड़ी ले सके। एक्चुअली रास्ते में खड़ी थी, भगा के ले आया। मैंने सोचा सजीला मैडम के साथ बाजार जाना है तो गाड़ी तो ढंग की होनी चाहिए ना। मेरी बल्कि हमारी आज ही हैंड ओवर हो गया, चेक करो। मैं देखूं? देखो देखो तुम्हारी तो है। कैसी है? बहुत खूबसूरत। बैठो आइसक्रीम खाने चलते हैं, पहले आइसक्रीम बाद में शॉपिंग। आओ।
बहुत खुश हूँ। तुमने तो मामी को गाड़ी दिखाने का मौका तक नहीं दिया मुझे। पापसी दिखा देना। तुम्हें पता है अभी किसी को पता तक नहीं है कि मैंने गाड़ी ली है। ठीक है ना, जिसकी गाड़ी है उसका पहले हक बनता है ना बैठने का गाड़ी में। ठीक कह रही है। तुम्हें पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरी चीजों को इस तरह ऑन करती हो। मुझे भी इसी तरह ऑन किया करो ना। पता था मुझे रोमांटिक स्पीच सुनाने का ना मौका नहीं जाने दोगे अपने हाथ से। बुरी लगती है मेरी रोमांटिक स्पीच? नहीं ना, एक इसमें कुछ नया नहीं है। हर फिल्म में हर ड्रामे में हीरो हीरोइन से यही बातें कर रहा होता है। लेकिन हर ड्रामे हर फिल्म में हीरोइन इतनी संगदिल नहीं होती जितनी तुम हो। मैं तो सेम तुम सोच लो। सोच लिया, जैसे भी हो कबूल। तो ये रमशा भी ना हर चीज मेरे जिम्मे डालती, कहती अगर मेहमानों के लिए वहां से कुछ गिफ्ट लेकर आएगी तो ओवरवेट हो जाएगा। तो मामी से ये क्यों कह रही थी कि वो इतनी नखरे वाली हो गई? तुम्हारी बात हुई है उससे? हाँ, एक दफा हुई थी। नादिया से बात कर रही थी ना तो मेरी बात हुई थी। खुश है अपने घर में? खुश कैसे नहीं होगी, सैशो की जन्नत है वो। सारा दिन नौकर चाकर उसके इर्द गिर्द भाग रहे होते हैं। हैश यश। तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये घर जो होता है ना, ये आसाइशों से नहीं मोहब्बत से बनता है। और वहां पर भी ना आसाइशों के साथ अच्छी लगती है मिस्टर। अल्लाह, इस लड़की से कोई नहीं जीत सकता भाई। जीत तो गए, अगर जीते ना होते तो यूं मेरे साथ बैठकर अपनी मोहब्बत को जता नहीं रहे हो। गाने लगते हैं इसमें? अरे कौन सा गाने लगा होता? अरे ये नहीं पागल, तुम सामने देखना। अच्छा सॉरी सॉरी। जुगनू, आज ये शानी कहाँ रह गया? काफी देर हो गई। फोन आया था अभी उसका, आ रहा है थोड़ी देर में। अच्छा, क्या बात है, आप भी बड़ी खुश लग रही है। खैर तो है, किसका फोन था? सजीला का फोन था, मुबारकबाद दे रही थी। किस बात की मुबारकबाद? वैसे तो शानी ने सरप्राइज देना था लेकिन सजीला से रहा नहीं गया। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो, किस बात का सरप्राइज, कैसा सरप्राइज? अम्मी, शानी गाड़ी पे आ रहा है, उसे गाड़ी मिल गई है। अरे देखा यार ना, तेरा लाख लाख शुक्र है, पाक परवरदिगार मेरे बेटे को और तरक्कियां दी। मगर अम्मी देख लें आप, ये ज्यादती है हमारे साथ, हमारा भाई अभी से पराया हो गया। अरे हमें बताने से पहले सजीला भी को बता दिया, पहला तो हमारा था ना। अच्छा चुप हो जाओ, जो मुँह में आता है बोलते रहते हो। अच्छा मैं चाय रख के आती हूँ, तुम जल्दी से जाओ गरम गरम समोसे लेके आओ। हाँ और ऐसा करो जलेबियाँ भी ले आओ, मोहल्ले के बच्चों को बांट दो। ओफ ओ अम्मी, आप ही अपने स्टैंडर्ड अब ऊंचे कर लें, आप लोग ऊंचे। हमारे घर गाड़ी आ रही है और आगे देखेगा और भी बहुत कुछ आएगा। तुम जाते हो किसी और से मंगवाओ मैं। अच्छा आप ही जा रहा हूँ। और सुनो, शानी को मत बताना कि हमें खबर मिल गई है, उसे अपनी खुशखबरी खुद ही सुनाने दो। अच्छा मैं जरा पैसे लेकर आती हूँ। मैं चाय रखूंगी जरा। ये ले। शानी बेटा आ जाओ, चाय ठंडी हो रही है। आ रहा हूँ मम्मी। अच्छी बनाई है तुमने चाय। अरे छोड़े चाय को अम्मी, घूमने चलते हैं, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत मजा आएगा। अरे अभी अभी चाय बनाई है, सब कुछ ठंडा हो जाएगा, खा लो। सजीला के पेट में भी जरा सी बात नहीं रुकती, सारे सरप्राइज सदियां नाश करके रख दिया। कोई बात नहीं बेटा। अम्मी सीरियसली मैंने सोचा था कि गाड़ी मिलेगी तो सबसे पहले आपको बिठाऊंगा। अच्छा जिसको बिठाना था ना उसे बिठा लिया तुमने, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी कह रही है, सीरियसली उसका फोन आ गया था वरना मैं आपको ही बिठाता सबसे पहले। अरे बेटा कोई बात नहीं, गाड़ी उसकी अपनी है, सारी उम्र उसी को बैठना है, पहले बैठे या बाद में।
हेलो शानी, कहाँ हूँ? अब तक पहुंचे क्यों नहीं? आप ही, मैं जुगनू बात कर रहा हूँ, एंड आई एम सॉरी मैंने कॉल उठा ली। इट्स ओके, शानी कहाँ है? वो तो पार्टी कर रहे हैं गाड़ी की खुशी में। गाड़ी पसंद आई तुम्हें? बहुत शानदार है, मगर मुझे तो वो बाइक पसंद थी ना। अच्छा, तो वो बाइक तुम रख लो। मैं? हाँ, तुम्हें पसंद आई ना? मगर वो तो भाई ऑफिस खड़ी कराए हैं। इट्स ओके, मैं कल भिजवा दूंगी तुम्हें। मेरी शानी से बात करवा दो। जी, मैं आपकी अभी बात कराता हूँ। एंड थैंक यू सो मच आपी, थैंक यू। मैं आपकी बात कराता हूँ। भाई भाई, शानजा आपी का फोन है। हेलो। तुम घर से निकले क्यों नहीं? मॉम एंड डैड तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सॉरी, मेरे जहन से ही निकल गया बिल्कुल। कोई बात नहीं, अभी आ जाओ। जी, मैं आता हूँ। क्या हुआ भाई? शान से आपका पूछ रही थी, आप पहुंचे नहीं वहां पे? आइंदा तुम मेरा फोन मत उठाना, ठीक है? सॉरी, लेकिन आपने कभी मना ही नहीं किया। मना कर रहा हूं ना, अब समझ जाओ। अच्छा ये तो बताओ, शानजे का फोन था, क्या कह रही है? अम्मी वो कह रही थी उसके पेरेंट्स से मिलना है। अरे तो बेटा जल्दी जाओ ना, कोई काम होगा उन्हें। और शानी, वैसे भी तुम्हें मना नहीं करना चाहिए था, कितनी बुरी बात है, वो तुम्हें खुद फोन करके याद करा रही है। बस निकल रहा हूँ ना। बल्कि ऐसा करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, इतने अच्छे लोग हैं, जरा शुक्रिया अदा कर दूंगी। नहीं नहीं, आप आने दें, बस मैं निकलता हूँ, फिर वापस आके चलेंगे। भाई भी कमाल करते हैं, वो लोग वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पे ये समोसे खा रहे हैं। तुम अपनी राय ना जरा कमी दिया करो जुगनू। बेटा ठीक कह रहा है, शानजे ने किसी काम से बुलाया है तो उसे चाहिए कि पहले सजीला के यहाँ जाने के बजाय या घर आने के बजाय वहाँ चला जाए। जुनून।